हेलो व्यू ऑन दिस इज मीस आप क्या है और मैं आपके लिए ले लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वो हु एवर नीड्स आप उस रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर आपका पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है क्या चल रहा है उसके दिमाग में आपको लेकर वो आपको लेकर जब भी सोचता है तो क्या होता है उसके जहन में वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में सो स्टेट ऑन और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल वीर है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो so बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ तो आप पर्सन रीडिंग साफे हो पेपॉल से ईजी पास पेमेंट कर सकते हो तो सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो लेट्स डाइव इन टू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में क्या आता है उसके जहन में जब वो आपके बारे में सोचता है मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स थे और मुझे लगता है स्लोली बचोरली uh, उसके जो ब्लॉक्स थे जो उसके चैलेंजेस uh, थे इस कनेक्शन को लेकर जो वो फील करता था करती थी uh, वो स्लोली फेड अवे हो रहे हैं सो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी की तरफ उसका जहन आ रहा है कुछ ग्रोथ की तरफ उसका जहन आ रहा है आपके बारे में जब भी सोचता है आपका पर्सन वो यू uh, नो you know, um, मुझे लगता है कि कुछ यू um, नो you know, एक निगेटिविटी uh, से भरा हुआ था आपकाशन कनेक्शन uh, um, और स्लोली बट श्योरली वो जो नेगेटिविटी थी वो फेड अवे हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो कि काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ ब्लॉक रखी जिसने काफ़ी टाइम तक Uh, अगर लव लाइफ यू नो ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड नहीं थी तो कहीं ना कहीं लोगों की बुरी नज़र ने आपकी लव लाइफ को बहुत अफेक्ट किया है सो so, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी थी जो कि कनेक्शन को इतना हद तक उसने यू नो अफेक्ट किया था मुझे लगता है कि स्लोली वो चीज़ ख़त्म हो रही है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है और ये बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये एक महीने में कोई चीज़ डेवलप हो जाएगी ऐसा नहीं होगा इट्स कनाट टेक टाइम लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर मैं टाइम दूँ उसमें तो मुझे लगता है कि छः महीने के अंदर अंदर आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो डेफिनेटली देखोगे और ग्रेजुअल होगा ये चेंज ऐसा हो सकता है कि एक एक, एक महीने में कुछ एक पॉजिटिव चेंज आप देखो अगले महीने में एक और नया पॉजिटिव चेंज देखो इट्स कॉन बी ग्रेजुअल लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो चुका है मेजोरिटी लोगों के लिए आप में से जो लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं लव लाइफ में इंसान के साथ मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि बर्ड्स को खाना खिलाओ चाहे पानी रख दो बाहर चाहे कुछ आप खाते हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा रख दो लेकिन ऐसा करो उससे आपकी लव लाइफ में जो आए हुए ब्लॉक

थाट्स आएँ फ्यूचर के बारे में कि हाँ यू you नो know, ये पॉसिबल हो सकता है अगर पहले उसे ब्लॉक्स के बारे में सोचते थे तो मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि थिंग्स कैन बी वर्कड आउट सो वो पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आ रहा है उनके जहन में आपको लेकर um, मुझे लगता है कि आप में से मेजोरिटी लोग जो हैं बहुत जल्द एक चेंज देखोगे अपने पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत प्रमानेंट चेंज होगा और अगेन हो सकता है कि आप में से राइट नाउ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट शुरू हो जाए पर्सन से लेकिन अगेन प्रोमिनेंट या डोमिनेंट चेंज इस तरह से होगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इस चेंज को इस शिफ्ट को um, हो सकता है आप चाहते हो हो सकता है आप डिज़ायर करते हो लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि इतनी जल्दी कुछ अच्छा होगा और एक स्टेप होगा बट देन लाइक ए सेट अर्लियर थोड़ा थोड़ा करके बाकी स्टेप्स भी हो जाएंगे जो आप डिज़ायर करते हो सो so, कहीं ना कहीं um, मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहा था जिसकी वजह से आपके साथ उसका जो कनेक्शन था वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा था तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो चीज़ जो वो चाह रहा था जिसका वेट कर रहा था वो भी हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए कि उसको वो चीज़ मिल जाए उसको चाहे वो फैमिली का अप्रूवल था आपको लेकर चाहे वो जॉब की वजह से आपको इग्नोर करे थे चाहे वो अपनी अपनी लाइफ में इनडिस थे अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी था जो भी वो चीज़ थी जो उनको रोक रही थी वो ख़त्म हो जाएगी आपके पर्सन को लगता है कि आपको लेकर वो डेफिनेटली definitely... Uh, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील कर रहे हैं एक और में चीज़ मुझे यहाँ पे जो लग रहा है uh, आपका पर्सन कभी बोल्ड नहीं रहा होगा टुवर्ड्स मेकिंग अ डिसीजन जहाँ पे वो ओपनली एक्सप्रेस करे अपना प्यार अपनी फीलिंग्स सो so, हमेशा हो सकता है कि बहुत ही यू नो बैकसीट लेते हो कनेक्शन को लेकर अपनी फीलिंग्स को लेकर इमोशंस को लेकर लेकिन अब उनका दिल कर रहा है कि वो खुलकर अपने प्यार का इज़हार करें तो ये अगैन ये जो सोच है जो आप आपको लेकर उनके जहन में आ रही है ये मुझे नहीं लगता कि इन रिसेंट टाइम्स में कभी आपने अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ फ़ील की होगी और ये आपको एक्सप्रेस करेंगी कि, कि कुछ बदल तो रहा है इनके दिल में आपको लेकर कुछ बदल तो रहा है इनके जहन में आपको लेकर जिस जिसपे आपको जिसका रिफ्लेक्शन आपको बहुत जल्द दिखने लगेगा इनके एक्शंस में इनके बिहेवियर्स में हो सकता है कि अगर आप ब्लॉकड हो तो अनब्लॉक कर दें हो सकता है कि कोई आपकी तरफ कोई बेबी स्टेप लेना शुरू कर दें जहाँ पर शायद आपसे ज़्यादा बात करना शुरू कर दें या फिर आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें या फिर आपको आपकी तरफ ख़ुद कदम बढ़ाना शुरू कर दें तो वो भी पॉसिबल है लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन के जहन में एक थॉट है कि आई नीड टू लेट द पास को सो कहीं ना कहीं वो पास को भूलने के लिए रेडी है मुझे लगता है कि जो विंटर टाइम है जो जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी लव लाइफ में इस इंसान को लेकर और मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये जो फेज चल रहा है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ इस इंसान के साथ इससे आपका पर्सन बहुत कुछ लर्न करके पास्ट को फिव एंड फॉरगेट करने के लिए रेडी हो जाएगा तो जो नेगेटिविटी पास्ट से कनेक्टेड है जिन लोगों की लाइफ में राइट ना वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो अपने ऊपर ब्लॉक लगाए हुए थे कि नहीं ये नहीं हो सकता इस वजह से नहीं हो सकता फैमिली की वजह से नहीं हो सकता काम की वजह से नहीं हो सकता मैं गिवेन नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता वो जो उसने बनाया हुआ था अपने जहन में कि ये नहीं हो सकता वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो रेडी uh, हो जाएगा टू रिलीज दैट ऑल तो कहीं ना कहीं जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आई नीड टू काइंड ऑफ यू नो गेट सॉफन अप आपको लेकर सो so, वो चीज़ उनमें दिख रही है और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होने वाली है अपने पर्सन के साथ तो डेफिनेटली वो प्लान कर रहे हैं कि अपने गार्ड जो है वो आपको लेकर जो उन्होंने अप किए हुए थे उसको फॉर डाउन करके चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोचें um, मुझे लगता है कि उनके जहन में आपको लेकर एक एक विजुअल जो है वो बन रहा है एक इमेजिनेशन वो क्रिएट कर रहे हैं अपने जहन में कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम फ्यूचर में ऐसे रह सकें क्या है इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है सो so, वो चेंज जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे अपने पर्सन में अभी आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता लेकिन बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा थोड़ा करके झट रही है जो आपकी लव लाइफ से इस इंसान के साथ इस इंसान के जहन में जो आपको लेकर ब्लॉक्स थे वो ऐसे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं सो so, आपको मुझे लगता है अगर एक सेकेंड वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टू सिक्स मंथ्स लाइक एस एन अर्लियर फाइव टू सिक्स मंथ्स का टाइम हो सकता है कि ये पर्सन ले जहां पर ये बिल्कुल रेडी हो जाए टू गिव इन टू द कनेक्शन जो आपके साथ इसका है सो ये डेफिनेटली आपके बारे में पॉजिटिव हो रहा है स्लोली बट बटोली कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि आना शुरू हो जाएगी आप में से कुछ लोग हो सकता है अच्छा मैं आप में से कुछ लोगों को रेकमेंड करूंगी यहाँ पे एक मिनट लेट मी टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम लगने मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल आपके अगेंस्ट है राइट right नाउ ठीक हो क्या और अगर ऐसा है तो भी आपने आपका जो ब्लॉक है उसके बारे में आपने नहीं सोचना राइट right नाउ जो भी चीज़ आपके जहन में भी आती है ये सब सुनने के बाद स्टिल आपके जहन में एक थॉट आता है कि आई डोंट नो अब कैसे हो सकेगा क्योंकि अब तो ये हो चुका है अब तो वो हो चुका है आपके जहन में कोई ना कोई फियर जरूर आया होगा एंड अगर वो आ रहा है आपने उसके बारे में नहीं सोचना आपने इसके बारे में सोचना है कि क्या होने वाला है यू you नो know, आपका जो विजन है इस इंसान को लेकर आपकी जो थाट है इस इंसान को लेकर जो आपकी डिज़ायर है इस इंसान को लेकर आपने उसके ऊपर उसके ऊपर सोचना है um, जो भी हो चुका है जो स्टेप हो चुका है आगे जिसकी वजह से आपको डाउट है फियर है आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पर्मानेंट हो चुका है राइट नाउ अब भी चांस है अब भी चीजें सरकम आपके फेवर में जा सकते हैं सो गिव अप नहीं करना सरेंडर करना है और सरेंडर करना और गिव अप करने में एक ही डिफरेंस है जब आप सरेंडर करते हो तो आप अपना फेथ रखते हो जब आप गिव अप करते हो तो आपका फेथ खत्म हो चुका होता है और आप फियर इतना स्ट्रांग होता है कि आपको लगता है कि ये तो होगा नहीं तो आगे बढ़ने की बारी आ गई है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो आप फेयरफुल हो होकर गिव अप कर रहे हो या फिर आप सरेंडर कर रहे हो विद दैट फेथ स्ट्रांग कि कुछ अच्छा होगा और जब आपका फेथ होगा तो आप नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हो ना क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो दैट मीनस कि आपका फेथ नहीं है यू नो जैसे होता है ना कि प्लान ए प्लान बी आपके जहन में प्लान बी तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि प्लान ए वर्क करेगा तो फिर आप कहीं पे भी प्लान बी की तरफ नहीं जाओगे सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट और या uh, हाँ yeah, uh, ये चल रहा है आपके पर्सन के जहन में आपको लेकर वो ये चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप जो क्या आप जो सोच रहे हो राइट नाउ अपनी सिचुएशंस में उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड uh, करो कि आप सरेंडर कर रहे हो या गिवअप कर रहे हो एक कार्ड देखते हैं आपके लिए और गाइडेंस के लिए गेट पॉजिटिव आपको जस्टिस मिलने वाला है और आप जो साइकिल बिगेन करना चाहते हो अपने लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ वो बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि मूव पास्ट करें फ्रॉम द करंट सिनेरियोस जिससे जैसे आपकी करंट सिचुएशन जो भी है लाइक सिर अर्लियर अगर आप उसमें खोए रहोगे और उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे कि अभी तो बात भी नहीं हो रही अभी तो ये भी नहीं हो रहा अभी तो पर्सन ये कर रहा है मैंने तो कॉल किया उसने आंसर नहीं किया पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया बात नहीं कर रहा आपने ये सब करना ही नहीं है जब आपका फेथ है तो आप सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो आपके जहन में नेगेटिविटी नहीं आती एट ऑल बिल्कुल नहीं आती है आप कोई भी एक्शन अगर पर्सन की तरफ लेते भी हो तो आपको उसमें खुशी मिलेगी और आप में उस आपको उस एक्शन को लेकर ये थॉट नहीं आएगा कि अच्छा पर्सन ने तो बात ही नहीं की आप वो अगर आप मैसेज करते हो विद विद एन इंस्पायर्ड एक्शन आप खुश रहते होज एज एज यू गॉट डन विद इट आप उसको लेके स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे कि पता नहीं पर्सन चेक करेगा या नहीं करेगा पर्सन ने मैसेज किया या नहीं किया आप में से मेजोरिटी लोग जो कि स्ट्रेस्ड आउट होते होंगे उनके तो मैसेजेस रीड भी नहीं होते होंगे पर्सन के एंड से सो so, बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि आपका एटीट्यूड हाउ यू एक्ट एंड बिहेव बहुत मैटर करता है वाइल यू आर ट्राइंग टू गेट वट यू वांट अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव में चला जाता है फ़ॉरन और आप ऑब्सेसिव हो जाते हो और आपको लगता है कि वो हो उसने मैसेज नहीं किया उसने बात नहीं की तो डेफिनेटली कुछ चल रहा है उसकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है या कर रही है वो बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव करना पहले आप अपने मेंटल ब्लॉक से निकलो पहले आप अपने अंदर फेथ जो है वो स्ट्रांग करो अपने अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करो फिर कोई एक्शन लो आप में से मेजोरिटी लोगों को चेज uh, करने की आदत पड़ चुकी है पर्सन को और वो भी आपको ख़त्म करनी है मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके जिनके अक्सर मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप खुद में तो वो चेंज नहीं लाते हो कि जो आप चाहते हो जो डिज़ायर करते हो कि वो पॉसिबल हो सके फिर आप कहते हो कि यू नो you know, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप अपने अंदर चेंज नहीं ला रहे हो आप स्टिल चेज कर रहे हो पर्सन को आप स्टिल पर्सन को स्पेस नहीं दे रहे हो कि आपको सोचे भी आपको मिस भी करे तो कैसे वो मिस करेगा आपका पर्सन आपको आप क्यों वो सब सोच रहे हो जो कि आप नहीं डिज़ायर करते हो जो कि करंटली हो रहा है मेजोरिटी लोगों की लाइफ में आप रोज़ सुबह उठते हो मैसेज चेक करते हो मैसेज नहीं आया पर्सन ने मैसेज नहीं चेक किया पर्सन ने कॉल नहीं किया और यही आप अपने जहन से सवाल करते रहते हो कि क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया तो आपको और रीज़न दिखेंगे क्योंकि पर्सन बिजी है क्योंकि पर्सन ये कर रहा है क्योंकि पर्सन वो कर रहा है लेकिन जब आप आपने यही सवाल पॉजिटिव क्वेश्चन से रिप्लेस करोगे तो आप खुद माजिक देखोगे अपनी लव लाइफ में होते हुए और ये ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी कर सकता है इट्स नॉट अबाउट कि मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में या कोई और पर्सन कर सकता है आप नहीं कर सकते हो इट्स मोर लाइक कि आप जब अपना एक एक यू you नो know, आप ट्राई करते हो अपने लिए और जब आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे तो आपका खुद मोमेंटम बिल्ट होना शुरू हो जाएगा उसके उस उस हिसाब से और फिर आपको अंदर खुद का लेकर कॉन्फिडेंस आएगा जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो कुछ छोटे स्टेप्स लेते हो मैनिफेस्टेशन की तरफ आप एक मैनिफेस्टेशन करते हो आप लुक बैक कर सकते हो कि वन आई कुड मैनिफेस्ट दैट तो मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ so, सो बहुत जरूरी है कि खुद के लिए कोशिश करो कि आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो पहले एंड देन कम टू द पॉइंट जहाँ पर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सको जैसे आप डिज़ायर करते हो बाई गेटिंग रिड ऑफ मेंटल ब्लॉक इमोशन ब्लॉक और अपना फिथ स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए सो so, या yeah, ये यीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चल इट द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर बाय